जैसे ही वो गोल्ड स्मिथ राज दरबार में आता है, किंग कहते हैं क्या तुम ही वो गोल्ड स्मिथ हो जिसने आज से सालों पहले उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को डिले किया था। तुम्हें पता है तुमने उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को डिले किया जिसकी वजह से वो बार 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 तुम्हारे बिल्डिंग में आ जा रही थी, जिसकी वजह से एक सिविल इंजीनियर अपना दीवार बनाने में फोकस नहीं लगा पाया और वो दीवार एक बेचारे बेगुनाह चोर के ऊपर गिर गई और वो मारा गया। इसके गुनहगार तुम हो और तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। ये सुन के वो गोल्डस्मिथ कहता है, नहीं माय लॉर्ड, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये गलती उस मर्चेंट की जिसके घर में शादी थी, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ज्वेलरी लेना चाहता था और मुझे पहले उस मर्चेंट का काम करना पड़ा। किंग पूछता है वो मर्चेंट था कौन। वो गोल्डस्मिथ कहता है, जी वो मर्चेंट तो आपके सामने ही खड़ा है। वो मर्चेंट कहता है, नहीं माय लॉर्ड, वो मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे। वो किंग फाइनली एक समझदारी की बात कहता है और वो उस मर्चेंट को कहता है, तुमने अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति ली है, अपने सारे के सारे संस्कार लिए हैं, तो उनकी सजा भी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। और किंग अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इस मर्चेंट को मारने के लिए तुरंत एक नया स्टेक बनाया जाए। तभी स्टेक बनाने वाला राजा के पास आता है और वो कहता है, माय लॉर्ड, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा पतला है और इसके लिए मैं कोई स्टेक नहीं बना सकता है, इसको आप क्या ही स्टेक से मारोगे। किंग कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, क्यों ना हम अपने राज्य से एक मोटे से इंसान को पकड़ के लाएं और उसे सजा दे दें, क्योंकि सजा तो किसी न किसी को देनी ही है ना। और वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तुरंत राज्य में जाओ और राज्य में जो भी सबसे मोटा इंसान हो उसे पकड़ के मेरे सामने लाओ। उस राजा के मंत्री राज्य में निकल पड़ते हैं सबसे मोटे इंसान की खोज में और जल्दी ही उन्हें वो गुरु का डिसाइपल मिल जाता है। वो उस गुरु के डिसाइपल को पकड़ के राजा के सामने ले आते हैं और वो राजा से कहते हैं, माय लॉर्ड, हमें ये ही सबसे मोटा इंसान दिखा इस पूरे के पूरे शहर में। गुरु का डिसाइपल किंग से कहता है, माय लॉर्ड, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो शांति से अपने घर में बैठ के खाना खा रहा था, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं। और तभी किंग गुरु के डिसाइपल को कहते हैं, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें स्टेक से मारा जा सकता है, तो तुम ही सजा के असली हकदार हो और स्टेक से तुम्हें ही मारा जाएगा। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने गुरु का ध्यान करता है और उनके गुरु तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि उनका शिष्य खतरे में है और गुरु वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। गुरु राज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं, सुनो मूर्ख राजा, मैं भी एक मस्कुलर इंसान हूँ, तुम मेरे शिष्य को नहीं पहले मुझे मारो। और फिर शिष्य अपने गुरु की होशियारी को समझ लेता है और वो भी किंग से जिद करने लगता है, नहीं पहले मुझे मारो। गुरु कहता है, नहीं पहले मुझे मारो। तो राजा कहते हैं, शांत हो जाओ, एक काम करो, इन दोनों को ही मरवा दो। जब किंग उनके डिसाइपल बहुत ज़्यादा होशियार थे, वो कहते हैं, नहीं मुझे पहले मारो, मुझे पहले मारो। फिर राजा बोलते हैं, आखिरकार बात क्या है। वो गुरु को बुलाते हैं और पूछते हैं, आखिरकार लोचा क्या है, तुम लोग आखिर मरना क्यों चाहते हो। तो गुरु राजा को समझाता है, वो कहता है कि राजा जी, एक्चुअली में बात यह है कि इस किंगडम में पहली बार कोई गुनाह हुआ है और पहली बार किसी गुनहगार को मौत की सजा दी जा रही है, और जो भी ये डेथ को एक्सेप्ट करेगा वो अगले बार इस जगह का राजा और मंत्री बनेगा। राजा को ये बहुत बेकार लगता है कि अगली बार उनसे ये राज्य छिनाने वाला है। वो तुरंत अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, अब हम क्या करें। तो यार वो मिनिस्टर अपने राजा से कहता है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दोनों के चेहरे को ढक दिया जाए और कल जब स्टेकर अपने स्टेक से इन दोनों को सजा देने जाएगा तो हम उनकी जगह पे बदल जाएंगे। उस गुरु की जगह पे आप खड़े हो जाना और गुरु के शिष्य की जगह पे मैं अपना चेहरा ढक के खड़े हो जाऊंगा। और अगले दिन राजा और उनका मिनिस्टर गुरु और उनके डिसाइपल की जगह पे खड़े हो जाते हैं और फिर स्टेकर अपने स्टेक से राजा और उनके मिनिस्टर्स दोनों को मार देता है। पर जैसे ही उनकी बॉडी जमीन पे गिरती है, लोग देखते हैं, अरे ये गुरु और उनका डिसाइपल तो है ही नहीं, ये तो किंग और उनका मिनिस्टर है। और फाइनली फिर एक मीटिंग होती है और उस गुरु और उनके डिसाइपल को ही उस किंगडम का राजा और मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे लाल दरवाजे को नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।